हेलो फ्रेंड्स, वसंत ऋतु का मौसम था जब एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक बुक में से कोई एक ही शब्द को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो लड़का अपने जेनरेशन का फेमस फिजिशियन बन गया और आगे चल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिजियस प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन का पद उसे मिला। उसका नाम थॉमस कैरलाइल था। इनके द्वारा पढ़े गए 21 शब्द कुछ ऐसे थे। हमारा मुख्य काम दूर से दिखने वाले धुंधले चीज़ों को देखना नहीं है, बल्कि जो चीज़ हाथ में है और साफ दिख रही है उसकी तरफ गौर करना है। जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आप तुरंत ब्रेड निकाल कर खा लेते हैं, लेकिन क्या आप कल का खाया हुआ ब्रेड या भविष्य में खाने वाले ब्रेड को वर्तमान में खा सकते हैं? तो इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन हम अपने भविष्य में खाने वाले ब्रेड को पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक उसी तरह प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन भी होते हैं। सो स्टेप 1, डोंट थिंक अबाउट द वरीज ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर एक्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग। स्टेप 2, यूज द AAI टेक्निक टू कंक्योर वरी सिचुएशन। AAI का मतलब एनालाइज एक्सेप्ट एंड इम्प्रूव है। पॉइंट 1, अपने सिचुएशन को बिना किसी डर और ईमानदारी से रिसर्च करें और सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। पॉइंट 2, जो सबसे बुरा हो सकता है उसे स्वीकार करो। पॉइंट 3, अब जो आपके साथ सबसे बुरा हो सकता है उसे स्वीकारने के बाद आप उसे सुधारना शुरू कर दो। स्टेप 3, अपने बैड सिचुएशन को सुधारने के लिए एक कॉपी में यह लिखिए कि फर्स्ट पॉइंट, मैं किस विषय पर चिंता कर रहा हूँ। पॉइंट 2, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, इसके लिए 3-4 ऑप्शन भी दें। पॉइंट 3, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। पॉइंट 4, तुरंत अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग एक्शन लें। स्टेप 4, ऑलवेज डू समथिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई प्लानिंग या थिंकिंग वाले कार्य करते हैं तो उस दौरान आप अपने प्रॉब्लम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। तो इसके लिए खाली होने के बजाय अपने हॉबीज बनाना शुरू कर दें। स्टेप 5, द सीक्रेट ऑफ योर वरिंग इज टू थिंक दैट यू आर हैप्पी और नॉट। हमें कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम खुशी खुशी उसका डट कर सामना करें और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। सम फैक्ट्स। फैक्ट 1, हम जिस भी विषय में चिंता करते हैं तो उसके घटने का चांस 10% हो जाता है। फैक्ट 2, हमारी जिंदगी वही हो जाती है जो हम सोचते हैं। सम बोनस प्रॉपर्ड। फर्स्ट, हमें पेट के अल्सर और इसके जैसे बीमारियां इसलिए नहीं होती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि अल्सर हमें इसलिए होता है कि हमें कौन खाता है, जैसे चिंता। सेकेंड, कोई भी बिजनेसमैन अगर चिंताओं से नहीं लड़ना जानता वह जल्दी मरता है। थर्ड, हमारे दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें दोनों को ठीक रखना चाहिए। फोर्थ, हमारा जीवन छोटा कहने के लिए भी बहुत छोटा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।